दशहरा के पहले या दशहरा के जस्ट बाद हो सकता है कि कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन। नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। अरवल जिले के निर्माणाधीन सिविल कोर्ट का निरीक्षण जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह के द्वारा किया जा रहा है। सुनिए निरीक्षण के दरमियान उन्होंने क्या कुछ बताया। कोर्ट बिल्डिंग का निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि यहाँ पर मैक्सिमम काम कंप्लीट हो गया है। कंप्यूटर वर्क करने के लिए जो है वायरिंग होता है उसको लेन वर्क बोलते हैं, उसका काम जारी है और थोड़ा बहुत फिनिशिंग वर्क बाकी है जिसके चल रहा है। मैक्सिमम ऑफिसेज का जो पार्टीशन वगैरह करना है वह सब तैयार है और बाउंड्री वाल लगभग लगभग कंप्लीट है। गेट वर्क छोड़ कर के बाकी जो है वह फिनिशिंग वर्क करना है। तो इस महीने के लास्ट तक यह हम लोग उम्मीद लगाते हैं कि पूरा जो है कोर्ट बिल्डिंग तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर फंक्शन करने के लिए हम लोगों को चाहिए वकील साहब लोगों के बैठने के लिए जगह, उनके लिए लायर साल के लिए जमा दे दिया गया है। उनका लायर साल बनने के लिए जो टेंडर हो रहा है तो वह काम भी जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। बाकी और सब काम तैयार है। एक सबसे बड़ी बाधा जो है वह जेल अभी पर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम लोग प्रयास में लगे हैं। डीएम साहब से मिलकर के भी बात हो रहा है कि जेल भी जल्दी जैसे जल्दी तैयार हो जाए तो पूरा यहाँ पर जो है सिविल कोर्ट का फंक्शन जो है सिविल कोर्ट बिल्डिंग में शुरू हो जाए और इस महीने के अंत तक तो कोर्ट बिल्डिंग तैयार हो जाएगा। जेल बिल्डिंग का भी हम उम्मीद लगाते हैं कि डीएम अरवल के माध्यम से वह जल्दी तैयार होगा। इसी कोर्ट कैंपस में वकील साहब लोगों के लिए ज़मीन दिया गया है, उनके लिए लायर साल बनना है लगभग 1 करोड़ का। वो पैसा भी आ चुका है, जमीन भी दिया जा चुका है, उनका काम तो इसलिए रुका है कि उसमें कुछ मिट्टी भरना है। उसको ठेकेदार साहब आश्वासन दिए हैं कि हम मिट्टी भरवा देंगे। अब मिट्टी जो ही भरवा देंगे 10 दिन में उसका टेंडर खुलेगा, अधिवक्ता लोग का काम शुरू हो जाएगा उनके बैठने का। तो यह ठेकेदार पर भी निर्भर करता है, ठेकेदार अगर उसमें देरी करेंगे तो अधिवक्ता लोग का काम इसलिए देर होगा कि ठेकेदार का मिट्टी न भरने का कारण देर होगा। तो इनको आज हिदायत दे दिया गया है कि अधिवक्ता लोगों के बैठने के लिए जो बिल्डिंग बनना है उसमें जल्दी से जल्दी मिट्टी भरवा दीजिए। तो दशहरा के पहले या दशहरा के जस्ट बाद हो सकता है कि कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन।